मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बोला था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, पर उसके लिए मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे व्लॉगिंग करना है और मेरे को पता है कि मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने रात को ही व्लॉगिंग के लिए वीडियो ये उतार रहा हूँ ताकि मैं सुबह स्टार्ट करूँ व्लॉगिंग। गुड नाइट। तो सुबह सुबह मैं तांबे के बर्तन में से पानी पीता हूँ, पता नहीं कि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है इसलिए पीते। तो अभी मैं इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो मैं तुमको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे मिला हूँ। लेट्स गो। अरे मैं तुम्हें अपने भाई से मिलाना भूल गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो। सो गाइज, ये मेरा स्टूडियो रूम समझ लो, इधर ही मैं वो वीडियोस बनाता हूँ। मतलब ये मेरा बैकग्राउंड रहता है ज़्यादातर वीडियोस का, और ऑफ कोर्स रिंग लाइट। तो अभी हम स्टैंड लेके जाएंगे सेकंड फ्लोर, क्योंकि आजकल मेरे को उधर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट्स। चलो। ओके। सो ये सेकंड फ्लोर है और इधर का बैकग्राउंड बहुत ही सही आता है। यहाँ पे लेक है और यही है जो बैकग्राउंड था। एक सेकंड। तो यही है वो बैकग्राउंड जो मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस के लिए। तो अब मैं वीडियो बनाऊँगा। सो आज का बैकग्राउंड हमेशा की तरह ये। ओके, सो वीडियो मैंने बना दी है, तो अब हम वापस नीचे चलेंगे। चलिए। सो यूजुअली वीडियोस में 12 बजे अपलोड करता हूँ। अभी हम अपनी डाइट फॉलो करेंगे। सबसे पहला मील में ओट्स का लेता हूँ। सो ओट्स को भी मैं मतलब एक एक ग्राम से लेता हूँ, पूरा डाइट फॉलो करता हूँ। तो अगर आप डाइट फॉलो करते हो तो आपको एक वेट ग्राम मशीन चाहिए ही होगी। आई डोंट नो, मेरे को उस पर याद नहीं कि इसको मैं क्या बोलते हैं। तो अभी हम इसको करेंगे। मैं बाउल बोल गया। लेता था बट आज मैं 40 ग्राम्स लूंगा, ज्यादा हो गया। सो अगर आप जिम करते हो तो आपको पता होगा डाइट की क्या वैल्यू होती है। मतलब आप जिम कितने भी कर लो, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपका गोल अचीव नहीं होगा। सो या ओट्स तैयार है और अभी हम इसे खाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 11:22। आई नो मेरा ब्लॉग थोड़ा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि मेरी लाइफ में ज़्यादा मैं कुछ करता नहीं हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो और मैं ब्लॉग करना बिल्कुल नहीं आता, तो आई डोंट नो कैसा होगा, बट आई होप आपको पसंद आएगा। सो हेलो। अरे आपके बहुत बड़े फैन ब्रदर। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है और अभी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ और मुझे सीखना है आपसे सर। मैं अभी भी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ यार। अभी मैं फ्री था, मेरे पास कुछ करने को नहीं था, मैं हमेशा इस टाइम या तो नेटफ्लिक्स देखता हूँ या फिर एक सबसे बेस्ट सीरियल जो मैं अभी देख रहा हूँ कुछ शायद पता नहीं होगा, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मैंने इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं किया होगा। मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया है कि नहीं, पर जेठालाल का जो कैरेक्टर है उसका जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल होते हैं। एक बहुत छोटी छोटी चीज़ को भी वो बहुत फनी बना देता है। मतलब मैंने ऐसा कैरेक्टर किसी का नहीं देखा, ना ऐसी किसी की एक्टिंग देखी, मतलब नेक्स्ट लेवल। सो यार कॉमेंट पे बताओ अगर आप जेठालाल के फैन हो तो। ऑफकोर्स आप सब होंगे मेरी तरफ से। अरे वाह,
अपनी लूना लेके आया है। लूना भी कम नहीं है आजकल तो, लूना चला। कैसा है भाई राजस्थान में पेट्रोल के भाव सुने? एक गॉगल्स वॉगल्स लगा के बैठा है, मतलब नेक्स्ट लेवल। आजा। सो अभी हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, राहुल मुझे जा ले जाएगा इसकी लूना। राहुल तो भाई लेके जाने की इच्छा नहीं करता, लेकिन ये भाई ने आज प्लान बना दिया। इसकी लूना में हम जा रहे हैं। राहुल मैं चलाऊं क्या? स्टिकर मार मार के खराब। अच्छी बात है, मैं चलाऊं? चला ले, चला ले तू भी। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? सर ब्लॉग बनाने दे मेरे को। जो पीछे जो तुम मंदिर देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा पुराना है, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना है। मेरे को भी नहीं पता कितना पुराना है, तो बहुत ही शानदार है। राहुल इधर दूसरी बार ही आया? दूसरी बार ही आया। बहुत ही सही जगह है। हाँ मतलब ऐसा है कि अच्छा है, थोड़ा आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज मिल जाता है कि भाई अपना कैसा क्या पास्ट है। ये सब चल निकल, फालतू का देता है हिस्ट्री का, ये सब भाई बाहर है ना, बस खत्म। वैसे हमको नहीं पता हम यहाँ क्यों आए, ऐसे ही आगे घूमे, सोचा कि थोड़ा वाइब आ जाएगी, थोड़ा वाइब मिल जाएगा। मैं जब बहुत छोटा था ना, मैं तब से यहाँ पे आ रहा हूँ, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। मतलब मैं दो बार ही आया हूँ खाली। ऐसा कहते हैं कि इधर ऐसे एक राउंड मारने से सारे भगवानों का दर्शन होता है। सो आई डू सेम, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आता है। क्या क्यों झगड़ा कर रहे हो? ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? अरे कहाँ जा रहे हो? सो अभी हम मंदिर से बाहर आ गए और मैंने राहुल को एक ट्रैकिंग की जगह बताई जो किसी को पता नहीं है। नहीं एक्चुअली पता है, लेकिन पिछली बार हम लोगों ने किया नहीं था। एक्चुअली कोशिश की थी लेकिन गए नहीं थे, पिछली बार बहुत ज्यादा गर्मी थी। ये बंदर अगर भाई कुछ गया ना तो तेरी बहुत अच्छी गया। मेरा मुझे मोबाइल अपने जेब में रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, और इनसे भी सावधान है। राहुल को ये थोड़ी रावणी जगह लगती है। रावणी में रावणी का कोई सीन नहीं है, ये फट्टू आदमी है ये भाई। नो नो क्या हुआ? तो अभी हम बहुत ही एक अच्छी जगह जा रहे हैं। मुझे पता है कहाँ जा रहे हैं हम। यहाँ से आगे जाने थोड़ी दूर जाएंगे तो एक फाउंटेन आएगा, उसको बंद है नहीं चालू है अभी। मास्क उतार सकते हो जंगल में? हो सकता है कोविड का सीन है। नहीं फिर भी मास्क पहन ले। तेरे को है क्या? मेरे को आदत हो गई मास्क की। मेरे को भाई थोड़ा सा सफोकेशन हो जाता है। चलो यहाँ पहले झरना था, चल रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा से, देखा वो वहाँ पे चल रहा है। ये रहा झरना, ये आ रहा झरना, तो नहीं बैठा पानी है, फाउंटेन है ना, अब खूबसूरत जगह। अरे भाई आराम से चल। कुछ चेंजेस आए लाइफ में? लाइफ में चेंजेस, मैं पहले से ज्यादा गुल मिलता नहीं था लोगों से, देखो ही पता है। अभी भी कौन सा मिलता है? अभी और नहीं मिलता। अब और आइसोलेटेड हो गया ये बंदा। बहुत आइसोलेटेड तो बहुत हो गया। कुछ जगहों पे जाता हूँ तो लोग जानते होते हैं, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू है। वैसे तो ऐसे तो स्कूल वाले भी नहीं पूछते थे कि कहाँ से आ रहे हो, कोई पूछता नहीं था। लाइफ में चेंज तो आता ही यार, और जब मैं ये चीजें स्टार्टिंग में करता था तो लोग मजाक उड़ाते, पर अब जब इसमें मुझको ग्रोथ मिल गई तो अब वो लोग फोन करते यार कॉन्ग्रेट्स ब्रो, मतलब कौन
बोले मैं वो मैंने अच्छा ओके थैंक यू बाय बस यही रहता यार बस थैंक यू तारीफ कर मेरी तारीफ कर देख नहीं तो यही फेंक दूंगा मैं तारीफ कर नहीं तारीफ नहीं आपकी जो दिल में है तारीफ ये गाइस तारीफ मुझे पसंद नहीं है पर तारीफ पसंद नहीं है ये जबरदस्ती तारीफ करवा रहा है मुझसे ये कट जाएगा तारीफ मत करिए आप मेरे बारे में क्या सोचते दिल से बताइए नहीं भाई ने लौंडे ने मेहनत बहुत ज्यादा की है नो डाउट मैं जानता हूँ इसको ठीक है मेहनत की है तो उसके हिसाब से इसको थोड़ा रिजल्ट लेट मिला है बाकी मिला जरूर है थैंक यू वेलकम चल निकल अब पूछा कि एक चीज तुम लोग को दिखानी चाहिए तो चलो भाई सो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया मैं ऐसे इतना घूमता नहीं हूँ पर आज बहुत घूम लिया एंड इसी के साथ मैं जिम जाऊँगा और अब ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है आज का आई होप आप सबको पसंद आया हो ये ब्लॉग अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो कर सकते हो करो लॉट्स ऑफ लव इट्स आवर स्टडी वन बाय बाय और या ये ब्लॉग ब्लैक एंड वाइट क्यों था सबको एक क्वेश्चन आ रहा होगा इसका आंसर नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा बाय बाय